हमारे शिष्यपाल सिंह निर्धन जी खुर्जा के कवि थे, उन्होंने चार पंक्तियां इस संदर्भ में बहुत उम्दा लिखी कि सारा घर जल गया अब बचाई क्या है। सारा घर जल गया, हम इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी तक को कई बार खत्म कर लेते हैं निराशा में, लेकिन हमेशा निराशा जीवन भर नहीं रहती। सारा घर जल गया अब बचाई क्या है, अगली पंक्ति पर अगर आपकी बाह निकले तो ये तालियां आदरणीय शिशुपाल सिंह निर्धन के खाते में जानी चाहिए। सारा घर जल गया, सारा 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 घर जल गया अब बचाई क्या है, और अगर मैं बच गया तो फिर जलाई क्या है, मैं बच गया तो फिर जलाई क्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो कवि अब हमारे बीच में शेष हैं वो बहुत ही विशेष हैं। वो विशेष इसीलिए भी हैं कि वो वरिष्ठों के भी वरिष्ठ हैं। आपकी वरिष्ठ नागरिक परिषद समिति है और ये वरिष्ठों के भी वरिष्ठ हो चुके हैं। 85 साल की इनकी उम्र हो चुकी है, और मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी साल इन्हें सुन लो, नहीं तो मैं तो ये चाहता हूँ अगली साल भी ये आए। आपने गलत कैसे सोच लिया, मतलब मैं तो ये कह रहा था कि इस साल भी सुन लो और अगली साल भी सुनेंगे, तो मेरा मतलब 85 साल की उम्र हो गई है, बहुत शानदार है। और ये प्यार और मोहब्बत की बातें कर रही थी, ईमानदारी से आप सब वरिष्ठ लोग हैं, आपके अपने अनुभव हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो प्रेम मोहब्बत जो है, बुजुर्ग लोगों ने प्रेम को जी लिया, अब हमारी युवा पीढ़ी में वो नहीं बचा है। अच्छा, ये पुराने लोग हमेशा नई पीढ़ी को कोसती भी रहते हैं, तुम क्या जानो प्रेम प्रेम के बारे में, अलविदा जी भी बताएंगे आपको। लेकिन मेरी समझ में उस दिन आई एक बात कि ये बुजुर्ग लोग आपस में बड़ा प्रेम करते थे, ईमानदारी से बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी पत्नी मेरे पियर चली जाए, मेरे बाबूजी एक दिन भी नहीं कहते कि घर का सत्यानाश हुआ जा रहा है, तू जाके अपनी बहू को लेकर के आ, एक दिन भी नहीं कहते। लेकिन अगर मेरी मम्मी चली जाए, 8 दिन बाद डोकरा पूरे घर सर पे उठा के रखेगा, घर को सत्यानाश है गो, पियर जाके बैठ गई है, कल्ली मोटरसाइकिल लेके जाइयो, उन्हें लेवा के आइयो। तो मैं समझ जाता हूँ कि चक्कर क्या है, ताली बजा दो अगर आप भी समझ गए हो, है ना। ये बुजुर्ग लोग प्रेम करते ही। अच्छा, मुझे एक दिन ये इस बात से मैं कन्फर्म उस दिन हुआ जिस दिन मैं अलवेला जी के घर गया। उमा मैंने एक अजीब तरीके का दृश्य देखा, अलवेली जी चारपाई पे पड़ी हैं और अलवेला जी बगल में ही कुर्सी डाल के उनकी नबज पकड़ के बैठे। मैंने अलवेला जी से पूछा, मैंने क्या हो गया दद्दू, के अरे जी बीमार है गई है। तो मैंने कि तुम नबज पकड़ के क्यों बैठे हो, डॉक्टर हो क्या तुम, अरे नहीं वो प्रेम को मसला है, जडुकरिया के बिना वो चैन ना पड़े भाई। तो मैंने कि ठीक है, प्रेम प्रेम तो करता हूँ, लेकिन कहो डॉक्टर है दिखाओ, बड़े बड़े डॉक्टर बेटा बुलाए ली, ठीक ना है रही। अचानक ही इनको बेटा को बेटा पोतो आयो और उसने जो है अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, किक मारा और मोटरसाइकिल को लेके चला गया। 85 साल की उम्र तो है ही, इनने सोची कि जब ये लोहे की मोटरसाइकिल पेट्रोल से चल सके तो जब बुढ़िया के अलवेली के में एक पेट्रोल का इंजेक्शन क्यों नहीं लगा दूं, जरूर चलेगी फिरेगी। इतना विचार करके डिस्पोजल सरंज मंगाई, पेट्रोल पंप से पेट्रोल मंगा के इंजेक्शन भर के चारपाई पर रख लो, जी सोच के कि जैसे ही करवट लेगी या सोवे की कोशिश करेगी मैं आके चुपचाप पेट्रोल का इंजेक्शन लगाऊंगा। और जैसे ही उनने करवट लो, अलवेला जी ये मौको मिलो, इन्होंने पेट्रोल को इंजेक्शन अलवेली के लगाओ, और जैसे ही दीपक भाई साहब जौहरी साहब जैसे ही पेट्रोल शरीर के अंदर पहुंची, मारे जलन के अलवेली जी चारपाई पे थे खड़ी, कबू कमरा में या तरफ भागे, कबू कमरा में वा तरफ भागे, और अलवेला जी बैठे बैठे सोच रहे 70 की है गई लेकिन एवरेज तो अब पूरा ही दे। जोरदार तालियां बजाइएगा जिसने जीवन भर हास्य का उम्दा एवरेज दिया और लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे परम श्रद्धेय अलवेला जी जो 85 साल की उम्र प्राप्त होकर के भी हमको आनंद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं वरिष्ठ जन नागरिक परिषद में, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के जोरदार तालियां बजाएं और इसी तरह हमें जीवन भर हंसाते रहें। आदरणीय परम अलवेला मुफ्तलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वरिष्ठ जनों के कवि सम्मेलन में अति वरिष्ठ एक कवि को बुलाया है। मैं जब मुझसे बात कर रहे थे मिलिंग में जरूर आऊँगा और मैं आ गया हूँ साहब,
निभाजी बहुत अच्छी गज़ल पढ़ रही थी, एक बार उनके लिए भी ताली बजा रही हैं आप जो। आप जानते हैं कि गज़ल और गजक दोनों में बड़ी समानता होती है साहब। जो गज़ल है ना वो दर्द और दिल से बनती है, और गजक जो है गुड़ और तिल से बनती है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजाओगे उनकी। और ये अभी क्या कह रहा था सुनो, वैसे तो तू है मेरा, जो अभी बकवास कर रहा था, वैसे तो तू है मेरा काफ़ी गहरा फ्रेंड, पर ज़्यादा बक बक मत करे ओ हर लठिया के हस्बैंड। भाई वाह जिंदाबाद। और ये जब इसने कही ना कि इनको पहले सुन लो, पता नहीं क्या हो, सुन ले। हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान, और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे ऊपर उठे जवान। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम बहुत बड़े संचालक हो, बहुत तुमने तरक्की की है, और ऊंचे उठो, और ऊंचे उठो, और ऊंचे। उम्र जरूर साहब 85 साल की है, लेकिन दिल अब भी जवां है सर। आप सब लोगों का भी जवां है। और साहब दिल जवां हो तो गैरत कैसी, दिल जवां हो तो गैरत कैसी, इन सफेद बालों की ऐसी कैसी, क्या करें। देखिए जब कहना चाहता हूँ, स्वागत है। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है, जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है, जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो, जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। इसलिए कहता हूँ साहब, नवजीवन की अगवानी, क्या बात है, वाह वाह वाह। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है सर, किसी को पता है? जौहरी साहब परख के देखिएगा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्मों पर लोक का खाली नहीं अभी, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पर खड़ी है, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पर खड़ी है। और साहब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये आपकी जिंदगी की ट्रेन हमेशा आउटर पर ही खड़ी रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, आउटर पर खड़ी है, वाह 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 जिंदगी, वाह वाह वाह। उम्र कितनी भी हो लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी है साहब। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, वाह। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है सेंस भी है वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। आपकी तालियों का बैलेंस एक बार हो जाए, एक बार बहुत अच्छा। वाह 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 जिंदाबाद, वाह। और साहब तुम कहते हो ना, हाँ। उस वो जमाना था और ये भी जमाना है। एक दिन अलवेली बोली कि चौधरी तुम बहुत मेरी तारीफ करते हैं, अब जा उम्र में मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, है कितना। मैंने कहा भाई क्या बात है। तो उसकी तरफ से एक छंद और एक मेरी तरफ से सुन लो, तब शुरू करूँगा मामला। स्वागत है। एक दिन मुझसे मेरी अलवेली बोली, यूँ तुम थे रसीले रस धारा बस में ही थी। एक एक पंक्ति सुनना साहब। एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली, यूं
तुम थे रसीले रस धारा बस में ही थी, एक मात्र प्यार का सहारा बस में ही थी। और कैसी थी जवानी हम दोनों की जवानी, जब देखो इन आँखों का इशारा बस में ही थी। ओ अब कैसी लगती हूँ मुझको बताइएगा, पहले तेरी किश्ती का किनारा बस में ही थी। जब उसने मुझे चैलेंज किया तब मैंने उसका जवाब दिया, और ये जवाब अगर आपको अच्छा लगे, वर्ष नगर बैठे हैं, जोरदार तालियां चाहूँगा। तो मैंने क्या कहा, कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब भी इस बुढ़ापे में कटार लगती है तू। कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब भी इस बुढ़ापे में कटार लगती है तू। और कहते हैं जोरदार होता है पुराना माल, ठीक है ना साहब, कहते हैं जोरदार होता है पुराना माल, बाग के बबूल की बहार लगती है तू। ओ प्यार के करार की कृपान कुंद हो गई है, प्यार के करार की कृपान कुंद हो गई है, फिर भी हद से ज्यादा बेकरार लगती है तू। ओ मान मत मान, यदि उम्र का न करूं ध्यान, तो अब भी मेरी जान चित्रहार लगती है तू। लगता है, ऐसा लगता है कि आसाराम की बगल में एक कोठरी तुम्हारे लिए बुक करवानी पड़ेगी। इसके अब एक दुआ सुनिए। वाह दीपक जी, आपको कहता हूँ, सज धज की गोरी चली, आहा तो आगे करोगे यार, सुनो, सज धज की गोरी चली लेकर हर का नाम, सज धज के गोरी चली लेकर हर का नाम, ओ आशा की थी राम की मिल गए आसाराम। क्या आशा की थी राम की मिल गए आसाराम, ओ कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे बाबा हैं भयभीत, ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। और साहब बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक दुआ लिखा है मैंने, अगर अच्छा लगे तो आपकी भी दो जात तालियां चाहूँगा। मात पिता पति छोड़कर, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही देखो राम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। उससे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। और साहब एक ब्रजभाषा का दुआ पढ़ता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी करता हूँ। कहा मेरा सब मानियो, बुढ़े का तो मानोगे ना, कहा मेरा सब मानियो मैं समझाऊं तो, वाते झगड़ो मत करे जो तोते तंगड़ो।